नमस्कार स्वागत है आपका मीनाक्षी किचन में आज मैं शेयर कर रही हूँ कलरफुल मिठाई की रेसिपी जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं बहुत ही है जल्दी बन जाती है इसे हम बनाने वाले हैं नारियल के बुरादे से तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया एक बड़ा चम्मच घी अब मैंने इसमें डाल दिया दो कप नारियल का बुरादा नारियल के बुरादे को हम स्लो हीट पर भून लेंगे हल्का हल्का स्लो हीट पर इसे हमें भूनना है इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है तो लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से आप भून लें तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है अच्छी सी खुशबू भी इसमें आ रही है अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक कप दूध मिक्स कर लेंगे इसको एक से डेढ़ कप दूध इसमें आप डाल सकते हैं दूध डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पौना कप चीनी यानी थ्री फोर्थ कप चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये मिक्सचर एकदम पतला सा हो जाएगा इस मिक्सचर को हमें सुखाना है इसके लड्डू बनाने के लिए लड्डू को बनाने में बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होती हैं पर खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं इंस्टेंटली इसको आप बना सकते हैं अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए मिक्सचर हमारा काफ़ी ड्राई हो गया है बस पाँच मिनट ही मैं इसे और पका लूँगी थोड़ा सा इसको मैं और सुखा लूँगी ताकि जब इसके हम लड्डू बनाएं तो वो इजीली बन जाएं। तो ये देखिए लड्डू का मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया अच्छे से ये ड्राई हो गया है अब इसके लड्डू मैं बनाऊँगी तो वो ईज़िली बन जाएंगे इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी उसके बाद ही इसके लड्डू हम बनाएँगे तो मैं इसे गैस के ऊपर से हटा दूँगी तो फ़िलहाल इस मिक्सचर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है बाकी को मैं बाद में यूज़ कर रही हूँ तो कलरफुल लड्डू बनाने के लिए एक पार्ट में मैं ऐड कर रही हूँ ये ग्रीन फूड कलर इसी तरीके से जो भी कलर आपको इसमें डालना है वो तो कलर डालकर इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद इसके लड्डू आप बना लें तो ये देखिए मैंने ग्रीन कलर तैयार कर लिया है इस तरीके से अब इसका लड्डू मैं बनाकर दिखा रही हूँ आपको एक इस तरीके से मिक्सचर आप हाथों में लेके और इसका लड्डू बना लें बहुत ही ईजीली लड्डू इसके बन जाते हैं बच्चे भी इसको ईज़ीली बना सकते हैं लड्डू बनाने के बाद मैं इसे रोल करूँगी थोड़े से सूखे नारियल के बुरादे में तो इस तरीके से रेसिकेटेड कोकोनट मैंने एक प्लेट में ले लिया है अब इस लड्डू को मैं इसके ऊपर रोल कर दूँगी जैसे हमने ये एक ग्रीन कलर का लड्डू बनाया है उसी तरीके से सारे कलर के लड्डू हमें बनाने हैं इसी तरीके से आप मिक्सचर में कलर डालते जाएं और लड्डू इसके बनाकर तैयार कर लें तो ये देखिए सारे कलरफुल लड्डू मैंने इस तरीके से बना लिए हैं और कुछ लड्डू मैंने ये बिना कलर के बनाए हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए है, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय